हेलो मम्मी जी। हेलो बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कुछ कर रहे थे क्या? हाँ बस बहुत सारा काम है मम्मी जी। एक्चुअली ना मैं क्या कह रही थी, मेरी सहेली है ना शांति, उसकी बहू बेटा कुकिंग कोर्स किया अभी, बहुत स्वाद डेजर्ट बनाती है बेटा, बहुत स्वाद डेजर्ट बनाती है। तुम्हारे लिए भेजी है मैंने, क्योंकि तुम तो बनाती नहीं और बनाया था तो स्वाद ऐसे। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, तुम खा लेना। मिल गई क्या तुम्हें? हाँ मम्मी जी मिल गई, मैंने ट्राई भी करी थी, बहुत ही बहुत बेकार थी। हाँ अच्छा मम्मी जी मैं रखती हूँ। हाँ मतलब मुझे वो डब्बा ना कचरे के डब्बे में फेंकना है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ मम्मी जी ओके ऑलराइट बाय। जरूर जरूर अभी ऑर्डर कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो सब गैस मास्क पहन के घूमें। ओह, आज ऑडियो नोट भेजा है, वेरी प्रोग्रेसिव। अनीता बेटा फास्टिंग कर रहे हो ना आज? पता है बिजी हो, काम बहुत है तुम्हारे पास, मगर करनी चाहिए बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है निखिल के हेल्थ के लिए, बहुत ही, कर लेना। हाँ हाय मम्मी जी, वो एक्चुअली मैंने आज फास्ट रखा नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ वो गधा निखिल अभी भी जिंदा है। हेलो मम्मी जी। हेलो निखिल, कैसे हो बेटा? एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी अभी ना रश्मि का फोन आया था मेरे को। अरे रश्मि अपनी अनीता की कजिन, हाँ इतना बढ़िया डांस किया था ना तुम्हारे संगीत में, भूल गए? अच्छा उसका पति है ना अजय, वो उसको ले जा रहा है बेटा घुमाने हांगकांग। तुम भी काफी वक्त से गए नहीं ना बेटा, अनीता और तुम, सोचा बता दूं। नहीं मैं क्या सोचा, फोन आया तो बता दूं तुमको भी। मम्मी जी ये जो आप हंसते हंसते बातों के तीर चलाती है ना, मैं काम करता हूँ मम्मी जी, मैं अपना स्टार्टअप छोड़ ही देता हूँ और क्या, टूर गाइड बन जाता है ना, घूमते ही रहेंगे हर वक्त हर टाइम सुबह रात को। क्या मजाक करते हो निखिल, तुम भी आ रहे हैं अनीता के पापा बुला रहे हैं। ओके बाय बाय। हेलो मम्मी जी। हेलो अनीता बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप ठीक हो क्या? मैं तो थोड़ी बस जुकाम खांसी हो रही है बेटा। तुम पहुँच गए घर? खाना खा लिया ना तुमने? अरे आपने बताया क्यों नहीं अगर आप बीमार हो? वो मेरा क्या है बेटा, मैं वैसे भी बहुत परेशान करती हूँ तुम दोनों को। निखिल कह रहा था बहुत लेट काम कर रही हूँ, खाना खा लेना टाइम पर। नहीं आप सुनो, आप खाना खा लेना टाइम पे ओके, और आप ना सारी जिंदगी हमें परेशान कर सकते हो, शादी तो इसीलिए की थी ना। ठीक है बेटा, ध्यान रखो। आप भी मम्मी जी। बाय बाय। Dealing with your in-laws can never be easy, and no matter how many years you've been married, nobody can ever train you for this. Yeah, और ये थोड़े पागल, थोड़े annoying और बहुत ही ज़्यादा space invade करने वाले लोग थोड़े sweet भी होते हैं, but mostly. Sure कि आपने भी अपने in-laws को बहुत ही ऐसे झूठ बोले होंगे नहीं? So you know what you can do? You can tell us your biggest and your funniest lies in the comments below. And since your in-laws are not likely to be on social media anyway, then they will find out. Yeah, that's a good idea. Yeah. So if you like this video, like, share and subscribe to Social Ketchup right now. और अगर समोसे खाने का मन करे तो चटनी नहीं, try ketchup. Yeah.